नमस्कार दोस्तों, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि ओम। आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भागवत गीता जी के 12वें अध्याय की। इससे पूर्व हमने 11वें अध्याय का अध्ययन किया था, जो कि विश्व रूप दर्शन योग के नाम से जाना जाता है, और आज हम अध्ययन करने वाले हैं श्रीमद् भागवत गीता जी के 12वें अध्याय की, जिसका नाम है भक्ति योग। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम इसमें अर्जुन कहता है श्री कृष्ण जी भगवान से, जो अनन्य प्रेमी भक्त जन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद गंध निराकार ब्रह्मा को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेता कौन है, सो कृपया करके श्री भगवान जी हमें बताइए। तब श्री भगवान जी कहते हैं कि मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्त जन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मानते हैं। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्मा को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। उन सच्चिदानंद गंद निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अर्थात देह का अभिमान करने वालों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझमें अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्त का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मुझमें मन को लगाने वाले और मुझमें ही बुद्धि को लगाने वाले इसके उपरांत तो मुझमें ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय की बात नहीं है। यदि तू मन को मुझमें अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास स्वरूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त करने के लिए तू इच्छा कर सकता है। यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो तू केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण होता जा। इस प्रकार मेरे नियमित कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को तो प्राप्त हो जाएगा। साधन में करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। अज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए हैं और मुझ में दृढ़ निश्चय वाले हैं, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको बड़ा प्रिय होता है, जिससे कोई भी जीव उद्वेगों को प्राप्त नहीं होता है और जो स्वयं भी किसी जीव के उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित वह भक्त मुझको अति प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बारह भीतर से शुद्ध, चतुर पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको अति प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है और न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको अति प्रिय है। जो शत्रु मित्र में और मान अपमानों में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख और दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है, जो निंदा स्थिति को समान समझने वाला मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और
स्थान में ममता और आसक्ति से वह रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको अति प्रिय है। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अति प्रिय है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भागवत गीता सोपनिषद शुभ्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। सो दोस्तों, आज हमने अध्ययन किया है श्रीमद् भागवत गीता जी के 12वें अध्याय का, जिसका नाम भक्ति योग है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, और ऑल वाला ऑप्शन अवश्य दबा लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई कोई भी वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। धन्यवाद।